मॉनेस्ट्री यानी मठ। बात की जाए बुद्धिज्म धर्म की तो मॉनेस्ट्री का बुद्धिज्म धर्म में काफी महत्व होता है। वज्र विद्या फुलहरी मॉनेस्ट्री, ये आपको इंडिया बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इसकी ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये चारों तरफ से प्राकृति की मनमोहक खेतों से भरी है। इसके खुलने एवं बंद होने के समय, जैसा कि आप इसके पट्टिका पर देख रहे हो, कस्ती गरबा एक प्रसिद्ध महान्य जो कि आपको आसियान देश है, जैसे कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य जितने भी आसियान देशों है, वहां पर इनकी प्रसिद्धि चरम पर थी। बात की जाए बुद्धिज्म धर्म की स्ट्रक्चर्स की तो इनमें प्रायः तीन तरह के ऐसे आर्किटेक्चर होते हैं जो काफी लोकप्रिय है। पहला स्तूप, दूसरा विहार, तीसरा चित्र। स्तूप जहां पर बुद्ध के अवशेष होते हैं उनसे संबंधित चीजें, विहार जहां पर मॉनेस्ट्री मॉन्क्स अपने प्रार्थना करते हैं, और चैत्य ऐसे जगह होते हैं वो एक असेंबली लाइन होती है जहां पर असेंबली हॉल में सारे लोग बैठकर अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्धिज्म धर्म में जो उनके मॉनेस्ट्री होते हैं वो प्रायः अपने डिजाइंस, अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत मशहूर होते हैं। आप इनके आर्किटेक्चर और इनके मॉनेस्ट्री के डिजाइन देखोगे तो ये आपके मन को बिल्कुल मोह लेंगे। आप जब भी ड्राइंग करते हो तो सबसे पहले अपने बैठने की जगह और एंगल ऑफ साइट, मतलब आप जिस एंगल पर आप देखोगे उस ऑब्जेक्ट को, उसी एंगल पे आपको उस ड्राइंग को बनानी है। तो इन दो बातों का खासा आपको ध्यान रखना है कि आपको बैठने की पोस्चर और एंगल ऑफ साइट, देखने की एंगल, दोनों समान होनी चाहिए। आप ऐसे एंगल ऑफ साइट के साथ बैठो कि आप रफ स्केचेस जल्द से जल्द बना लो। शुरुआत आपको ऐसे स्ट्रक्चर के साथ करना है जो छोटे छोटे हो और आपको बनाने में आसानी हो। समय के साथ आप धीरे धीरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। देखिए मैंने यहां पर किस प्रकार से बना रहा हूं। यहां पर चलती मंद मंद हवा और यहां की शांति आपको बिल्कुल बुद्ध के प्रारूप के पास पहुंचा सकती है। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप एक ध्यान में मलिन हो जाओगे। कलर करते समय एक बात का आपको खासा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसके कलर कॉम्बिनेशन पर। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, हमें कलर कॉम्बिनेशन को बहुत बारीकी से समझना होगा। मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो मॉनेस्ट्री होती है वो अपने डिजाइंस और आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी मशहूर है। तो आप जब भी इस तरह के मॉनेस्ट्री या बुद्धिज्म से रिलेटेड टेंपल बना रहे हो तो आपको इसके डिजाइंस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि ये आ रहा है, आप वहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड या फिर इस लोकेशन की जगह से जो भी रिलेटेड स्टोरीज होती है आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो। इनके छोटे छोटे जो दरवाजे हैं, इनकी खिड़कियाँ हैं, इनमें लगे हुए जो स्ट्रक्चर्स है, छोटे छोटे जो डिजाइन फूल्स हो गए,
इनमें बना हुआ जो स्तंभ है आपको वैसा ही स्वरूप आपको बनाना है, वास्तविक एवं परफेक्ट। बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपको हर चीज के लिए पेशेंस रखना होता है, इसमें समय लगेगा, इसीलिए आप 2-3 घंटे इसमें आपको लगाना होगा यदि आप एक परफेक्ट ड्राइंग चाहते हो। और थोड़ा पेशेंस रखो, आपकी ड्राइंग बिल्कुल बहुत सुंदर बनेगी। तो आप इस जगह पर घूमने आ सकते हो, आप कुछ वक्त छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हो। और यदि आप कभी आए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ। और हाँ यार, लाइक और सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।